नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ, जो SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये अपडेट जारी की गई है, और ये 20 जून 2022 यानी कि अपडेट भी कुछ देर पहले ही जारी की गई है। तो दोस्तों, एक खुशखबरी है एस्पायरेंट्स के लिए जो काफ़ी सालों से SSC में ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय से जो वैकेंसी हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो या MTS हो या SSC का कोई भी एग्जाम हो, वैकेंसी हमेशा से कम होती आ रही हैं। कुछ देर पहले ही SSC के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है SSC में 70,000 नई एडिशनल वैकेंसीज आई हैं। ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो 70,000 एडिशनल वैकेंसी हैं, ये कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आई हैं, पर इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो कैंडिडेट इससे रिलेटेड जो भी फर्दर अपडेट्स है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जल्दी अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, ये SSC का नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया है कि 70,000 नई एडिशनल वैकेंसी फिलअप की जाएंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी सशक्त न्यू इंडिया, सक्षम युवा शक्ति के बारे में, जिसमें ये अनाउंसमेंट हुई थी कि अगले 1.5 वर्षों में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती होगी। तो ये जो 70,000 एडिशनल वैकेंसी है, ये उसका एक पार्ट हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप इससे रिलेटेड, जैसे कि ये नोटिस आज ही आया है, तो हो सकता है कि आप इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है, मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के लिए आप विजिट करके, इस क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इस तरह से नोटिफिकेशन देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्कशन चल रही है इस टॉपिक पे, तो आप भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। राइटर रिप्लाई सेक्शन पे जाके रिप्लाई करके आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी ऑनगोइंग डिस्कशन चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दे पाई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।